रशीद साहब, आपसे समझना चाहती हूँ कि आप यहाँ सुन रहे हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के बयान, तो कुल मिलाकर इससे तस्वीर साफ हो रही है क्या कि 24 चुनाव का नैरेटिव का ये टोन है, इसी पर सेट होगा 24 चुनाव का नैरेटिव? जी रोमाना, आपने बहुत सही सवाल पूछा। देखिए, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि राजनीतिक दल जो है वो अपने एजेंडे के हिसाब से चल रहे हैं। देखिए, कानून का सब स्वागत करते हैं, और अगर संवैधानिक दायरे में रहते हुए अगर किसी कानून का विरोध भी हो तो वो भी लोकतंत्र में जायज बात होती है। इस चीज को राजनीतिक दल मानने को तैयार नहीं है। देखिए, जो बात हो रही है कि किस राजनीतिक दल ने किस समुदाय को टिकट दिया, देखिए बड़ा एक विषम विषय होता है, और उसमें हमें इस चीज की समझना चाहिए, उसका व्यवहारिक रूप होता है कि कोई राजनीतिक दल किसी समुदाय को के लोगों को टिकट दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसका दोनों तरफ के मामले होते हैं, उसको आप आसानी से नहीं कर सकते। उसमें मैं MIM का भी जिक्र करूंगा, उनके लिए भी व्यवहारिक कठिनाइयां होती, उसी तरीके के जिस तरह से अभी देश में 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, 700 से ज्यादा असेंबली सीट्स हैं, और वहां कोई कह सकता है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को भाजपा की तरफ से प्रतिनिधित्व नहीं मिला, लेकिन ये अधूरा सच है। इस अधूरे सच को और इस भ्रम को हमें दूर करना चाहिए, और तभी देश की और समाज की तरक्की होगी। ठीक है, तौसीफुर रहमान साहब, आपका टेक इस पूरे मामले पर? ये 24 का जो सियासी रण है उसी के लिए एक तरीके से ये प्रयोगशाला है जिसको सेट किया जा रहा है अभी से, खासतौर से बंगाल में जिस तरीके से शाह, ये 24 ही की राह? रोमाना जी, आज मैंने अमित शाह जी की रैली में जो मीटिंग थी वहां मैं उनकी बात सुन रहा था, जहां उनकी डेवलपमेंट की जो बात थी, उन्होंने 2014 से लेकर 2023 तक क्या किया वो 10 मिनट में खत्म हो चुका था। पर जो घुसपैठियों के लेके जो बात थी, जहां करप्शन की बात थी, वो पूरा जो ब्लेम गेम था वो बंगाल के ऊपर वो डाल रहे थे, जहां पर उन्होंने 20 से 25 मिनट बात की। तो देखिए, 2024 के इलेक्शन की जब आप बात करेंगे तो बंगाल के लोगों ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया है 18 सीटों के साथ, तो क्या अमित शाह साहब ने ये नहीं पूछा कि उन 18 MPO ने बंगाल में क्या डेवलपमेंट लाया? क्या वो 18 MP जाके सड़क में, क्या वो बॉर्डर में जाके अपने वहां पे सोल्जर से, क्या उन्होंने कभी इसका रिपोर्ट लिया कि कितने घुसपैठिए अंदर आ रहे? उन्होंने नहीं लिया। देखिए, ये टाइम पास वाली आज मीटिंग थी, टाइम पास वाली एक रैली थी। मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि राम मंदिर को लेके इन्होंने पहले खेला, अब ये CAA को लेके खेलेंगे। ये पहले शुरू तो करें असम में, ये बंगाल में बाद में आएंगे, मुझे मालूम है। ये पहले असम में तो शुरू करें, ईस्ट इंडिया में तो शुरू करें, जहां पर आप जा खेलते हैं आप लोग, आप पहले वहां शुरू करें, उसका नतीजा आप देखना। नतीजे के बाद रोमाना जी, आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ, हम जरूर इस बात पे डिबेट करेंगे। तो मतलब प्रेम शुक्ला जी ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब 24 का चुनाव आ रहा है, इसीलिए तमाम मुद्दे जो हैं वो चुनावी औजार के तौर पर, चुनावी हथियार के तौर पर बीजेपी एक एक कर सामने ला रही है। प्रेम शुक्ला, नहीं, CAA पर भारतीय जनता पार्टी क्या 2023 में बात करना शुरू की क्या? घुसपैठियों के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या 2023 में प्रकट हुआ क्या? घुसपैठियों के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी 1950 जब भारतीय जनसंघ हुआ करता था, तब से भारतीय जनसंघ के जमाने से घुसपैठियों के विरुद्ध है, और लगातार हम घुसपैठियों के विरुद्ध करते हैं। क्यों? देखिए, बहुत बहुत विचित्र मामला है रोमाना जी, ये बहुत बदतमीजी करते हैं। दोबारा आपके पास आ रहा हूं रहमान साहब, प्लीज सुन लीजिए, बदतमीजी कर रहे हैं, वरना किसी की बात समझ में नहीं आती। एक एक करके प्रेम शुक्ला जी, मैं शोरगुल ही मचाना हो तो ये जनाब भी फिर बोल नहीं पाएंगे, मैं भी चिल्लाऊंगा इनके बीच में। लगातार जो है किसी के तारतम्य को तोड़ने का ये जो है किस तरह से, हाँ ठीक है, प्रेम भाई प्लीज आइए, आप मुझे बताइए ना, बाकी गेस्ट डिस्टर्ब ना करें, क्या समर्थन में है कि घुसपैठियों के खिलाफ है आप? नहीं, मुझे बताइए, घुसपैठियों के समर्थन में तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जवाब दूं? आप घुसपैठियों के समर्थन में है कि घुसपैठियों के विरोध में है? घुसपैठियों को निकालने पर आपको फिर बोलने लगा ये बदतमीज आदमी। रोमाना जी, इसको कहां से पकड़ के लाई इस बदतमीज को? ठीक है, फिर बोलने लगा ये। नहीं सर, वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी बात पूरी कर लीजिए फिर वो जवाब देंगे। ठीक है, अब आप मत बोलिए बीच में, तौसीफ साहब आप सुन लीजिए, मैं आपके पास आ जाऊंगी। प्रेम भाई प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। घुसपैठियों के मामले में 2003 में जो स्टैंड हुआ करता था ममता बनर्जी का, वो स्टैंड 20 साल बाद बदल क्यों गया? 2020 में क्यों बदल गया? ममता बनर्जी जो थूक रही थी उसको चाटने पर क्यों आमादा, मुझे बताइए। संसद में हंगामा किया करती थी, आज क्या हो गया? घुसपैठी आज उनको इतने प्रिय क्यों हो गए, लड़ने क्यों हो गए? तो चुनाव के चक्कर में अपनी नीतियों में परिवर्तन करने का, खुद को जो है बदल लेने का काम ममता बनर्जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनसंघ के जमाने का स्टैंड, वही भारतीय जनसंघ का के जमाने का स्टैंड आज भी है। ठीक है, और हम CAA में निश्चित तौर पर जो है CAA लागू करेंगे। और आज आदरणीय अमित शाह ने बंगाल की धरती पर फिर से कहा है
कि हम CAA लागू करके रहेंगे और घुसपैठियों को इस देश को छोड़कर जाना पड़ेगा। और जिनको जो है सीए लागू होगा बीजेपी इसके लिए प्रतिबद्ध है, उनको निश्चित तौर पर हम राहत देंगे और सीए के तहत नागरिकता देंगे। ठीक है सर, काश इतना सीरियस आप डेवलपमेंट के ऊपर बात कर लेते तो आप थोड़े मुझसे बड़े हैं, इसलिए मैं आपको बदतमीज नहीं बोलूंगा, ये तो आपका पढ़ाई और जो आपकी तरबियत है उसका वो नजारा है। खैर मगर देखिए आप बार बार सीए की, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप 8 बार नहीं 9 बार नहीं इस बार जनवरी मार्च में तो आप सीए लागू करिए, उसके बाद ये बंगाल में लागू होगा कि असम में लागू होगा या पूरे हिंदुस्तान में लागू होगा वो देखा जाएगा। पर रोमाना जी मैं बार बार एक ही बात खत्म करके कहना चाह रहा हूँ कि आप जब आधार कार्ड मांगिए तो किसी का भी मांगिए, उसके पिता का भी मांगिए, पर उसके दादा परदादा का जब आप मांगिएगा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है सर, ठीक है, आपको ठीक कुछ है, नहीं ठीक वाला। अगर मैं जल्दी से स्टूडियो में आ रही हूँ और आप दोनों से मैं जानना चाहती हूँ, पहले रागी साहब आप आ जाइए, उसके बाद लास्ट कमेंट इस शो में हम रामकृपाल जी से ले लेंगे। ये 24 चुनाव और ऐसे में हम जानते हैं लोकसभा चुनाव में अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल राज्य, 42 लोकसभा की सीटें आती है, उस लिहाज से नैरेटिव आपको क्या लग रहा है यहाँ पर? मुझे लगता है कि बंगाल के लिए सवाल ये नैरेटिव सिर्फ बंगाल के लिए नहीं है, ये नैरेटिव पूरे देश के लिए है। आगे बढ़ेगा ये नैरेटिव आगे बढ़ेगा हाँ। क्योंकि देखिए 2019 के बाद ये बात आई है कि भाई सीए जब लागू हो, सीए जब कानून पास हो गया है तो उसे लागू करने में इतनी देर क्यों हो रही है हाँ। तो और जो सरकार की तरफ से जो सफाई हमेशा आती रही है कुछ उसके नीटिग्रिटी पर हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे ही वो काम खत्म हो जाएगा हम जो है वो इसे तुरंत लागू कर देंगे। और मुझे लगता है एक प्रकार का आपने देखा कि तौसीफुर रहमान के बातों में एक प्रकार की धमकी थी कि जैसे ही आप आसाम में लागू करेंगे आप देखिएगा इस देश में बवाल होगा। उस दिशा में जाएंगे ना फिर समय इतना बचेगा नहीं। जल्दी से रामकृपाल जी लास्ट कमेंट। देखिए मैं रोमाना जी केवल एक बात कह रहा हूँ कि अमित शाह जी अगर बंगाल गए हैं तो वो ममता बनर्जी की तारीफ करने तो नहीं गए हैं। सही बात, जाहिर सी बात है कि जो इस जब ये 3 से 73 पर पहुंचे हैं और उसके पहले 18 एमपी उनके हो चुके थे तो जाहिर सी बात है कि वहां से आगे बढ़ने कोशिश करेंगे। और जो इस दौरान में जो गड़बड़ियां हुई हैं ममता जी के शासन में उसको गिनाएंगे, उसको गिनाएंगे। और मेरा ये कहना है कि एक सीधी बात है, शरणार्थी और घुसपैठिया, घुसपैठिए का पूरा देश विरोध करता है, शरणार्थी अगर कोई है तो सरकार उसको इजाजत देगी और बाय कॉल कर सर देश उसका स्वागत करेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।